सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 अप्रैल और अभी टाइम हो चुके हैं सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ अभी ऑफिस के लिए, क्योंकि आज ऑफिस में प्रदीप भैया हैं भी नहीं और इमीडिएटली अभी पहुँचना टाइमली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही सबको इंटीमेटम दे दिया गया था कि 3 से 4 दिन तक सब लोग टाइमली पहुँच जाएंगे। 10:30 हो चुका है ऑफिस टाइम और अभी कल केबिन वगैरह का भी रेनोवेशन का छोटा मोटा सा काम करवाया गया था, तो अभी चल के दिखाते हैं आपको कि आज केबिन कैसा लग रहा है। और आज सबका प्लान बन रहा है हनुमंत धाम जाने का, तो सैटरडे का दिन है, शनिवार का हनुमान जी का भी दिन है, शनि भगवान का भी दिन है, तो चलते हैं। दोनों ही मंदिर आसपास हैं, शनि मंदिर भी वहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में बना है फेमस हनुमंत धाम, तो आज चल करके दिखाते हैं आपको। और हम लोगों ने शाम का टाइम इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और कुछ खास बातें हैं उस मंदिर की, तो मैं वो वहाँ पे चलकर ही आपको बताऊंगा कि उसकी क्या क्या खासियत है। तो अभी फटाफट से निकलते हैं ऑफिस, मिलते हैं शाम। गाइस अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 5 बज चुके हैं और बाहर धूप काफी ज्यादा तेज है। 3 बजे के आसपास मैं ऑफिस से आ गया था। अब सब लोग निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। मैं, देवांश और अथर्व रेडी हो चुके हैं और मैडम भी गई हैं रेडी होने, भाभी और अभिषेक भी तैयार हो रहे हैं, शोभित भी और मानसी भाभी भी शायद चल रहे हैं आज। तो प्लान सबका ये है कि बाइक से नहीं जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं आज सभी लोग। कहाँ जा रहे हैं देवांश? हम लोग जा रहे हैं अभी हनुमंत धाम दर्शन करने के लिए। मल्लू कहाँ जा रहे हैं? हनुमंत, तो हनुमंत धाम जा रहे हैं। चलते हैं और दिखाते हैं अभी आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत फेमस मंदिर है, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। पूरा मंदिर आज आपको मैं व्यू जितना पॉसिबल हो सकेगा ज़रूर दिखाएंगे। सो गाइज अभी सारे लोग हैं यहाँ पे और मेट्रो पे आ चुके हैं। भैया आ रहे हैं, अपना कार्ड रिचार्ज कराने के लिए गए हैं। अब फटाफट से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 6 बज चुके हैं। लगभग इस टाइम हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए था पर अभी थोड़ा सा हो चुके हैं लेट। तो मैडम का आज फर्स्ट टाइम मेट्रो है, अब चलते हैं ऊपर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे मल्लू है भैया के ऊपर और अभिषेक देवांश आगे जा रहे हैं। ये दो लोग इधर टहल रहे हैं, मम्मी भी आ रही पीछे। मल्लू की सवारी देख सकते हैं भैया के ऊपर है। तो गाइज ये है कुछ यहाँ से एंट्री। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे
बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत्रु बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होए। दर्शन हो गए हैं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पूरा पीछे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के बाहर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है और सब लोग बैठ गए हैं आकर के यहाँ पे रिवर साइड पे, मैडम उसके बाद भाभी देवांश मम्मी मानसी भाभी मल्लू भी है, मल्लू मल्लू हेलो बोलो। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धि न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन गाइज। अभी मम्मी लोग बैठे हैं रिवर फ्रंट के पास में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है इस पूरे मंदिर का। इस मंदिर की खास बात मैंने आपको कहा था कि मैं मंदिर पहुंच करके आपको बताऊंगा। लगभग इस मंदिर में आपको 1,25,000 यानी कि 1,25,000 जो है हनुमान जी की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ दिखेंगी। मतलब ये कि पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में छोटी छोटी हनुमान जी की करीब करीब 1,25,000 मूर्तियाँ यहाँ पर डिज़ाइन करी गई हैं। ये है इस मंदिर की खास बात, आप मेरे पीछे देख रहे हैं लगभग हर तरफ आपको ये ब्लॉक्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स में हनुमान जी की मूर्तियाँ दिख रही हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बॉर्डर बना हुआ है उस पर भी छोटी छोटी हनुमान जी की प्रतिमाएँ बनी हैं। लगभग 1,25,000 हनुमान जी की प्रतिमाएँ हैं और भीड़
बहुत ज़्यादा है मंदिर में। तो फिलहाल मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे इतना ज़्यादा रश हो पाने की वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। और अभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है यहाँ पे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे हर तरफ आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ दिख रही हैं। तो ये देखिए गाइस, छोटी छोटी अलग अलग रूप में अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई हैं हनुमान जी की। कुछ इसी तरह से यहाँ पर करीब करीब 1,25,000 हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हैं। ये है कुछ यहाँ का रिवर फ्रंट का व्यू। लगभग बहुत सारी भीड़ यहाँ पर बैठी हुई है। उस तरफ मम्मी लोग भी बैठे हैं अभी। और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज शनिवार का दिन है तो बजरंगबली के भक्त, शनिदेव के भक्त लगभग सभी लोग यहाँ पर हैं आज। पीछे आपकी मेट्रो भी जा रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस अब चलते हैं मम्मी लोगों के पास में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और बहुत देर से वो लोग एक जगह पे वेट कर रहे हैं अभी। तो अब आ गए हैं और चलते हैं, दिखाते हैं भी आपको लोग कहाँ पर हैं। कहाँ गए ये लोग? तुम्हें तो लेके गए हो सबको यहाँ, तुम्हें पूछ। सो गाइज, फाइनली मैडम मिल गई हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरे वाले व्यू के बाद फाइनली एक जगह हमको मिली है जहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। तो काश दिन में आए होते। हाँ, ये बात है एक्चुअली कि काश दिन में आए होते तो दिन में यहाँ का पूरा एक्चुअल व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। मानसी भाभी भी आ गई हैं, बहुत देर से सभी लोग। लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है और जिस हिसाब से नाइट का व्यू नाइट के हिसाब से अच्छा है, लेकिन दिन का व्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। मम्मी थक गई हैं और मम्मी बैठ गई हैं अभी। कह रही हैं अभी थके नहीं हैं, अभी घुमा दिया जाएगा और पूरा। अभी पीछे बैक साइड में बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ से आप देख रहे हैं पूरा कितना ज़्यादा व्यू है। अंधेरे की वजह से बहुत सारा व्यू कैप्चर नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर। एक मंदिर यहाँ पे और है राधा कृष्ण का, तो वो भी दिखा देते हैं मैं आपको। आओ, तो राधा कृष्ण का एक मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ये है बैक साइड में। गाइज, यहाँ फोटोग्राफी सेशन हो रहा है।
टाइम था। अरे बेटा आगे यहाँ पे रिश्ते ना रखो पहले काम का दिल भैया। सो गाइज एक ही जगह पे फाइनली अभी सबकी सेल्फी हो गई है और मंदिर दर्शन भी हो गए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है तो जो लोग भी अभी इस टाइम आ रहे हैं करीब मंगलवार और शनिवार को थोड़ा सा अवॉइड करके आए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। बाकी अगर आप ऐसे ही भीड़ में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब हम लोग भी निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है इस टाइम 8 बजने वाले हैं, घर पहुँच के मिलते हैं। सो गाइज अभी घर आ चुके हैं, टाइम हो रहा है रात के 9 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अब हो गई है थकान। तो फटाफट से करते हैं ब्लॉग को एंड क्योंकि अभी एडिट भी करना है और टाइमली अपलोड भी करना है। तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ एक्चुअली अभी रात के टाइम पे क्या था, शाम के टाइम पे अंधेरा हो जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे लाइटिंग की मुझे कमी लग रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा रश था, यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी ये मंदिर है ट्रेंड में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे अभी इकट्ठा हो रही है, एकदम से रश आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम को देखते हुए जाएं और जब भी जाएं मज़ा आपको बहुत आने वाला है। मंदिर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैडम भी आ चुकी हैं और अब आ रही हैं फ्रेम में। तो कैसा लगा आपको अच्छा। मंदिर कैसा लगा? तो बहुत मज़ा आया लिटरली, सभी को बहुत अच्छा लगा। शोभित भैया, मानसी भाभी, मम्मी, अभी जस्ट मैं घर आया हूँ, मम्मी लोग पहले आ गई थी और बताशे वगैरह एंजॉय करते हुए, आइसक्रीम एंजॉय करते हुए तब आए। मानसी भाभी की आइसक्रीम गिर गई थी बेचारी की, वो एक साइड से खा रही थी दूसरे साइड की गिर गई। तो बहुत एंजॉय किया सभी ने और होप्स हम लोग अब जाएंगे नेक्स्ट टाइम किसी दिन दिन के टाइम पे यानी सुबह। तो देखते हैं कब का प्लान बनता है। फिलहाल करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।